सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस चेयर की बेस प्लेट या हाइड्रोलिक को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा गेमिंग चेयर है, मैंने ग्रीन सोल कंपनी से मंगाया था, ऑनलाइन ही मंगाया था। काफ़ी अच्छी चेयर है, बट समहाउ इसका जो बेस प्लेट है वो लूज़ हो गया है और आप देख सकते हैं ये चेयर है आगे पीछे काफ़ी ज़्यादा रॉक कर रही है। तो इससे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है बैठते टाइम। तो आज हम इसका बेस प्लेट चेंज करेंगे। सिमिलर प्रोसेस है हाइड्रोलिक चेंज करने के लिए भी। अगर आपका चेयर का हाइड्रोलिक ख़राब होता है तो इसी प्रोसेस से आप हाइड्रोलिक भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका बेस प्लेट मैंने ऑनलाइन ही मंगा लिया है, तो ये कुछ इस प्रकार है। सो लेट्स सी हाउ दिस इज़ डन। इसके लिए पहले हम चेयर को उल्टा कर लेंगे। उसके बाद ये देख सकते हैं ये जो लोहे का हिस्सा बना हुआ है जिसके अंदर ये हाइड्रोलिक लगा हुआ है, बेसिकली इसको हमें हैमर करना होगा और इस हैमर करने से हाइड्रोलिक है ये बाहर आ जाएगा। तो इसको हैमर करते टाइम ये जो प्लास्टिक का कैप है यहाँ पे बार बार गिरेगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको बेसिकली टेप से बांध देते हैं। ये टेप ले लिया मैंने। टेप लेने के बाद इसको कुछ इस तरीके से चिपका देंगे ताकि ये यहाँ पे फंस रहे। अब इसके बाद हमें लेना है एक हैमर और एक क्लॉथ। इस क्लॉथ को हम इसके ऊपर रखेंगे, फिर उसको हैमर करेंगे ताकि इसके ऊपर कोई डेंट ना लग जाए। तो ये काफ़ी मजबूत होता है, ऐसा टूटेगा नहीं, और इसको काफ़ी तेज़ी से मारना होता है। तो आप बिंदास इसको मारिए, ये टूटेगा नहीं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है और इसको बहुत तेज़ मारना ही होता है तभी निकल पाएगा। सो शुरू करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार जो है निकल जाएगा। अब हमको ये जो चार स्क्रूज हैं, चार बोल्ट बोलना चाहिए टू बी स्पेसिफिक, सो इन स्क्रूज को खोलने के लिए अगर इसमें स्पैनर लग रहा है तो स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर लग रहा है तो स्क्रू ड्राइवर, और अगर एलन की लग रहा है तो एलन की मदद से हम इसको खोल लेंगे। सो इस चेयर में ये जो बोल्ट है ये एलन की मदद से खुलेगा। यह है एलन की का सेट और आई थिंक इसमें जो है ये लगेगा। परफेक्ट, तो इसको हम खोल लेंगे। हल्का लूज करने के बाद इसको ऐसा घुमा के खोला जा सकता है। ये चारों बोल्ट खुल गए, इसको कर लेंगे हम अलग। उसके बाद हमें लेना है अपना नया हाइड्रोलिक। तो कुछ इस प्रकार सेट करने के बाद सारे बोल्ट्स को लगा लेंगे। सभी बोल्ट्स को हमेशा क्रिस क्रॉस पैटर्न में ही टाइट करें। तो इस प्रकार हमारे सारे बोल्ट्स टाइट हो जाएंगे और फिर उसको हमें जस्ट ओके। सो ये इस प्रकार हमारा चेयर का बेसप्लेट रेडी हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।